करता था, तभी मेरे को ये दिखा हीरा एग्रो का। और वैसे तो बहुत सारे ब्रश कटर तो आते हैं, ये जो अटैचमेंट है ना वो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए यही सही है। बराबर, बाकी सब जो आते हैं ना वो घास काटने घास काटने वाले आते हैं, हाँ, लेकिन ये जो खुदाई करता है वो नहीं, क्योंकि ये हमको खुद और अलग से लेना पड़ता है, और मेरे वो उसमें पड़ा है वो चाइनीज प्रोडक्ट होती है। बराबर, तो ये पूरा ये मतलब ये जो अटैचमेंट है इसकी हम 6 महीना गारंटी वारंटी लेते हैं, 6 महीने और आज तक एक भी रिप्लेस नहीं आया हमारा, पूरी हम जिम्मेदारी लेंगे। ये यहाँ पे इंडिया में ही बनाया हुआ है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, स्पेयर पार्ट सारे अवेलेबल है। हाँ ये हो गया बराबर, बराबर। जैसे ब्रश कटर तो हमारे यहाँ मैंने बहुत देखे हैं, बराबर, और डेमो देने के लिए मेरे वो खेत में भी लोग आए थे, कंपनी वाले आए थे, बराबर। मेरे को ये जो चाहिए ना, हाँ, इसमें ये नहीं है, दो अटैचमेंट आपने जो दे, हाँ, दे रहे हैं ना, हमको ट्रेलर भी दिखाओ ना आप। तो ये जो अटैचमेंट है ना, मतलब हमारे ब्रश कटर की खासियत क्या है, एक तो सबसे बढ़िया खासियत है हमारा इंजिन, क्योंकि देखो इंजिन कई प्रकार के उपलब्ध है, लेकिन जो क्वालिटी से बनना चाहिए या जो क्वालिटी से उसमें जो स्पेयर पार्ट यूज़ किए वो हमने बहुत मतलब सोच समझ के इस्तेमाल किए हैं, तो वो एक हो गया इंजन। मतलब पूरे भारत में गिने चुने कंपनियां ऐसी है कि जिनका इंजन 9000 RPM आपको दे पाएगा, मतलब ये जो घूमने का स्पीड है ना, ये तो कम RPM पे घूमता है, क्योंकि उसको वैसे एडजस्टमेंट किया है हमने, यहाँ पे जो गेयर बॉक्स यूज़ किया है ना वो रेशो उसका कम किया है, लेकिन जो आप ब्रेड लगाते हो, हार्वेस्टिंग ब्रेड लगाते हो, तो बाकी ब्रश कटर कोई 7000 RPM पे घूमेगा, कोई 8000 RPM पे घूमेगा, लेकिन 9000 RPM कंटिन्यू 8 घंटा, मतलब एक आदमी तो कर ही नहीं पाया, 3-4 आदमी थे भाई, उसने उतारा, इसने पीठ पे लिया, कंटिन्यू 8 घंटा हमने ट्रायल किया, कंटिन्यू 8 घंटा। तो एक वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि ये जो अटैचमेंट है ये बाकी सारे कंपनियां बाहर से लाके ही दे रहे, लेकिन ये अटैचमेंट हमने इंडिया में बनाया है, चाइनीज आते हैं, बराबर, तो ये अटैचमेंट हमने इंडिया में बनाया है। और वो अटैचमेंट के तुलना में इसमें क्या बदलाव है, तो एक तो ये जो गियर बॉक्स है इसमें हर जगह बेरिंग यूज किया है, और वो बेरिंग भी, बेरिंग में भी कैसा है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ऐसे अलग अलग टाइप आते हैं भाई, अच्छी, मीडियम, हल्की, तो हमने अच्छा वाला यूज़ किया है, दोनों बाजू से कैप वाला ही यूज़ किया है, वो हो गया एक चीज़। दूसरा कि यहाँ पे आप कभी भी अभी इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये चीज़ देखो यहाँ पे गैप है, मतलब ये वीडियो के माध्यम से हमारे जो बाकी किसान भाई है कि जो हमारा ब्रश कटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि कभी भी ये गैप है ना, ये गैप रहेगा, ये गैप रहना चाहिए, क्योंकि जो चाइना की अटैचमेंट आती है उसमें क्या होता है कि वो पूरा एक दूसरे को मिल जाता है, लेकिन बाद में जब वेयर एंड टेयर, मतलब घर्षण तो होना ही है, वहाँ पे घिसावट के वजह से साइज कम ज़्यादा बदलाव तो आने ही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई आवाज़ आना शुरू हो जाता है। हमने क्या किया है कि आज यहाँ गैप दिया है, जैसे जैसे वो घिसता रहेगा वो टाइट करते रहना अपने, वो मैच होता रहेगा, तो आपके चीज़ को आपको ज़्यादा लाइफ मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, ताकत के साथ लगवाना चाहते हैं तो ये टूट जाता है, तो हम ये वीडियो के माध्यम से उनको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि ये ऐसा गैप रहना चाहिए, ज़्यादा मतलब हाथ से जितना टाइट होगा उतना करो, कोई उसको पाइप ये इस्तेमाल मत करो, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये जो ब्लेड है ये हमने कार्बाइड यूज़ किया है, मतलब जो लोहे में क्या है, हल्का लोहा,
थोड़ा अच्छा लोहा, और जो मशीन में लगता है वो अच्छा भारी लोहा लगता है कि भाई उसको ताकत चाहिए, तो हाँ घिसना नहीं चाहिए। तो ये देखो, एक तो ये उससे इस्तेमाल किया है, मतलब ये अपने छुरी जैसा है, जितना आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो खुद होके उसको तेज धार नहीं करती रहेगी। और उसके बाद देखो यहाँ पे देखो दो कट दिया है, तो उसके नीचे एक ही कट दिया है हमने। तो ये सब हमने ट्रायल करके कि भाई कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ ये ट्रिलर भी देते हैं हम, तो ये भी वैसे ही मटेरियल से बना है। और ये ट्रिलर अगर आप पूरा ऐसा समांतर देखेंगे तो आपको पूरा एक इसमें नजर आता है कि भाई कोई भी जमीन इसके अंदर नहीं रह पाएगी। तो कवर यहाँ कर नहीं होगी तो यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी तो यहाँ होगी। तो बाकी लोगों का क्या है कि बीच में दो उंगली का अंतर दिख जाता है, ये पूरा आपको वाई दिखता होगा सामने से देखेंगे। हाँ, तो ये हमारी खासियत है, बीच में जगह नहीं छोड़ता है, बीच में जगह नहीं छोड़ता है। और ऐसे ही सारी चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस है, मैं नहीं बोलता कि हमने कुछ बड़ा चेंजेस किया है, लेकिन भाई जहाँ पे किसान भाइयों को दिक्कत आती थी और वो करना जरूरी था, वो हमने सारे चेंजेस किए। और कई कंपनी वाला वो सेफ्टी के लिए सूट देते है, गॉगल्स देते है। बराबर, अभी मतलब हमारे जो यूट्यूब पे हम वीडियो डालते हैं ना, उस पे भी कई किसान भाई हमको कमेंट डालते हैं कि भाई आपने मतलब सेफ्टी शूज नहीं पहनाया, गॉगल नहीं पहनाया। तो हम भी मतलब कर सकते हैं उसको, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम तो यह कर लेंगे, लेकिन जो हजारों लाखों किसान भाई है वो तो वैसा नहीं करते। उसके पीछे कारण क्या है हमको भी नहीं मालूम, लेकिन हम भी जब किसान भाइयों को मिलते हैं, मतलब आपको ही पूछेंगे कि भाई आपको ये पॉसिबल है क्या, तो वो एक एक्चुअल में किसान भाइयों को उसका प्रैक्टिकल देखते आना चाहिए। इसीलिए हम भी एक्चुअल परिस्थिति में भाई जैसे काम करते हो आप खेत में, वैसे ही हम आपको काम करवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें है, अभी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे इसमें 3 टीथ ब्रेड दिया है, कई लोग क्या करते हैं 2 टीथ ब्रेड दे देते हैं, 80 टीथ ब्रेड दिया है, कई लोग क्या करते हैं 60 टीथ ब्रेड दे देते हैं। अभी 80 टीथ ब्रेड को भी, जो एज है वहाँ पे अलग से डायमंड कटिंग करके ब्राच ब्लेच किया हुआ पार्टिकल लगाया है कि जिससे उसकी ताकत बढ़ जाए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कंटिन्यू 8 घंटा इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ बहुत सारे किसान भाई गलती क्या कर देते हैं कि जब पेट्रोल इसमें लाते हैं तो वो पानी की बॉटल वाला यूज़ कर लेते हैं, तो हम आप सभी किसान भाइयों को बताते हैं कि भाई पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, ये अपनी गाड़ी की टंकी अलग है, इसकी टंकी अलग है, इसमें अगर एक बूंद पानी चला जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो पानी नहीं जाना चाहिए। ऑयल ना कम डालो ना ज़्यादा डालो। बहुत भाई किसान क्या करते हैं कि जो 50 ml का ऑयल का पाउच आता है वो बोलते भाई फेंकने से इसमें डाल दो, लेकिन उसके वजह से आपका स्पार्क प्लग चला जाता है। भाई हमने 40 ml बोला है, आप 40 ml डालो, ज़्यादा मत डालो। नापने के लिए कुछ डिब्बे भी ऐसा कुछ दिया है सर? हाँ दिया है ना, हमने तो दिया है। और मतलब हर किसान भाई जब कोई मतलब खरपतवार नाशक या कुछ दवाइयाँ खरीदता है तो उनको भी मिल जाता है वो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो हम भी देते ही इसके साथ। तो ये है, तो ये किसान भाई बहुत दूर से हमको मिलने आए हैं। हमने इस बार वीडियो थोड़ा अलग तरीके से चालू हो गया क्योंकि भैया ने बोला कि हमको चला के देखना है। तो सबसे पहले मैं ये भैया का हमारे हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत करता हूँ, और आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम खिमजी भैया है। खिमजी भाई? हाँ खिमजी भाई भानुशाली, और मैं आणंद जिला गुजरात से आ रहा हूँ। बराबर, ये स्पेशल मैं ये वो डेमो देखने के लिए आया हूँ। आप भी आइए ना अंकल। वैसे तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकता था। बराबर, लेकिन मैं वो मैंने सोचा वो मैं खुद ही चला के देखूँ तो मेरे को वो विश्वास आएगा कि भी बराबर ये सही है। नहीं, हमको भी बहुत आनंद आता है कि दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं, और हम तो चाहते हैं कि किसान भाई हो सके तब तक यहाँ पे आइए, इसको चलाइए, थोड़ा टाइम निकाल के आना कि भाई आप चलाइए आधा घंटा एक घंटा, सारी चीज़ें समझ लीजिए। हमारे इंजीनियर भी यहाँ रहते हैं, वो आपको सारी चीज़ें समझाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी एक सवाल मतलब हमारे YouTube के जो वीडियो है उस पर कॉमन आता है कि भाई इसका वारंटी गारंटी, तो अभी हम जब ई कॉमर्स तरीके से काम कर रहे हैं तो झूठ बोल के फायदा नहीं कि हम इसकी वारंटी गारंटी तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसी के साथ ये सही बात है कि इसमें खराब होने जैसा भी कुछ नहीं है। ये साधारण अपना जो पुरानी गाड़ियाँ थी, जो सुजुकी या यामाहा का 2 स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ी आती है, वो इंजन है।
तो आपके गांव में जो कोई मैकेनिकर होगा गाड़ी का काम करने वाला उसको इसको रिपेयर कर पाएगा। अभी रिपेयर करने में एक ही चीज रह जाती है, वो है स्पेयर पार्ट। कि भाई अगर आपका गलती से कुछ खराब भी हो जाता है तो हमने भी यहाँ पे सुविधा की है। हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 8 बजे आपको कॉल पे पूरी मदद करेंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो वही सिचुएशन हम यहाँ क्रिएट करेंगे कि आपका ब्रश कटर में ये गलत हो गया है, तो हम भी यहाँ वो करेंगे, आपको वीडियो बना के भेजेंगे। या आपको व्हाट्सअप कॉलिंग का भी एक पर्याय अच्छा है कि भाई कॉलिंग कीजिए, हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है भैया, चालक मालक खुद है, बराबर आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। नहीं, लेकिन जो बाकी किसान भाई है उनके मन में ये सवाल आता है ना, तो हमने उसके ऊपर बहुत आसान सा एक तरीका निकाला है कि भाई जो आपके गांव में टू व्हीलर का मैकेनिकर है वो ये इंजन को दुरुस्त कर पाएगा, उनको सिर्फ दिक्कत आएगी स्पेयर पार्ट की। तो हम स्पेयर पार्ट आपको कभी भी भेजने को रेडी है, हमारे पास यहाँ पे सारे स्पेयर पार्ट रेडी है। और वो भैया को भी अगर दिक्कत आती तो उन्होंने हमारे इंजीनियर से बात कर लिया तो उनको आसानी हो जाती है। और उसी के साथ और एक बात है कि भाई अगर नहीं हो रहा है, मतलब नहीं छोड़ रहा है, तो हम बोलते हैं भाई सिर्फ भेज देना है हमको, हम यहाँ पे उसको पूरा रिपेयर करेंगे, आपको व्हाट्सअप कॉलिंग करेंगे, आपको चला के दिखाएंगे आधा घंटा एक घंटा और वापस पैक करके भेज देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज तक हमने मतलब हजारों से ब्रश कटर बेचे, कोई मतलब ऐसा एक भी केस नहीं है कि वो किसान भाई को उधर दिक्कत आई, क्योंकि व्हाट्सअप कॉलिंग इतनी सुविधा हो गई है। मतलब कई बार अपन बोलते हैं कि किसान भाई दिक्कत में है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो ये नया नया टेक्नोलॉजी वो सीखेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये चीज़ है, जैसे ये 8-10 बीघे वाला अगर किसान है, बराबर है, उसके पास ऐसा 2-3 जो मशीन है अगर वो रखता है तो उसको कुछ किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मतलब खुद अपना काम, ये मशीन हमने क्यों लाई, तो हमारी खुद की खेती है, हमको यही दिक्कत का सामना करना पड़ता था कि भाई आदमी नहीं मिलते, मजदूर नहीं मिलते, बराबर हमारे जो रिलेशन में है उन्होंने हमको बोला कि भाई आदमी नहीं है, तो ये ऐसा मशीन है। फिर हमने वो 2 साल पहले लाया, दिया, यूज किया, उसमें से सब अच्छा बुरा समझ लिया, और अभी लगभग 1 साल से इसको अच्छे से बेच रहे। और क्या है कि हमने खुद ने इसको चलाया है तो हमको उसके बारे में ज़्यादा मालूम है, सिर्फ बेच नहीं देते हम, ये जरूरी बात है। तो फिर आपको ये मशीन के बारे में कैसे पता चला? मेरे को तो ऑनलाइन नेट पे देखा, मेरे को वो वैसे भी मैं ब्रश कटर सर्च कर रहा था, बराबर, तो एक बार ये हीरा एग्रो का, तो आप गूगल पे सर्च कर रहे थे क्या, यूट्यूब पे? नहीं, गूगल पे, गूगल पे सर्च कर रहे थे, तभी मेरे को ये दिखा हीरा एग्रो का। और वैसे तो बहुत सारे ब्रश कटर तो आए, ये जो अटैचमेंट है ना वो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए यही सही है, बराबर। बाकी सब जो आते हैं ना वो घास काटने वाले आते हैं, हाँ, लेकिन ये जो खुदाई करता है वो नहीं, क्योंकि ये हमको खुद और को अलग से लेना पड़ता है, और मैंने वो उसमें पड़ा है वो चाइनीज प्रोडक्ट होती है, बराबर। तो ये पूरा ये मतलब ये जो अटैचमेंट है इसकी हम 6 महीना गारंटी वारंटी लेते हैं, 6 महीने, और आज तक एक भी रिप्लेस नहीं आया हमारा, पूरी हम जिम्मेदारी लेंगे। ये यहाँ पे इंडिया में ही बनाया हुआ है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, स्पेयर पार्ट सारे अवेलेबल है। और एक इंजीनियर भाई हमारा पूरा यहाँ पे आपको, एक या दो, पूरा डिपार्टमेंट अलग है हमारा कि जो आपको कॉल पे पूरी मदद करते हैं। अगर इनसे नहीं होता है तो इनसे सीनियर आदमी है, अगर कोई मतलब कल रात को कोई किसान भाई को ज़्यादा समस्या थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने खुद उनको कॉल किया कि भाई मैं बात करता हूँ आपसे, और उनकी समस्या सॉल्व हो गई। उनको ये अटैचमेंट चाहिए था, उन्होंने हमसे ब्रश कटर नहीं खरीदा था, उनको सिर्फ ये अटैचमेंट चाहिए था। वो जो राइस रहता है ना, वो बहुत बार क्या हो जाता है कि वो नहीं निकलता है, जो अपन तांदूळ बोलते हैं मराठी में, बराबर। तो उन्होंने सिर्फ ये अटैचमेंट हमको मांगी है कि वो राइस को छानने के लिए ये लगेगा। मैं बोला ठीक है भाई, हम दे पाएंगे आपके, अगर इस्तेमाल में आ रही तो हमको भी एक उसका राइस इसमें बहुत जमेगा, बराबर। दूसरी मशीन में भी ये फिट हो सकता है? अभी इसमें क्या है कि 2-3 तरीके के ब्रश कटर आते हैं, ये हो गया साइड पैक, मतलब सॉरी बैक पैक, ये पूरा पीठ पे चला जाएगा, और दूसरा आता है साइड पैक। तो साइड पैक में क्या होता है कि ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये थोड़ी बड़ी रहती है, मतलब ये 26 mm का डायमीटर है, तो वो 28 mm रहती है, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि दूसरा कौन सा मशीन है, उन्होंने क्या डायमीटर दिया है, तो ये भी लग पाएगा। अगर कोई किसान भाई को सिर्फ अटैचमेंट चाहिए तो उन्होंने हमारे इंजीनियर को कॉल करना, हम सब देख लेते हैं कि भाई क्या डायमीटर है, उधर कौन से प्रकार की असेंबली है, उनके फोटो वीडियो मंगवा लेते हैं, और अगर बैठ रहा है तो दे देते उनको। अभी आप उधर गए थे, ये भैया बैठे थे, तो सिर्फ उन्होंने अटैचमेंट के लिए हमसे अप्रूव लिया, लेकिन मतलब क्या है कि हम देख लेते कि भाई बैठ सकता है क्या, बैठेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।
तो बहुत सारे किसान भाई, मतलब आप तो इतने लंबे से यहाँ आ गए, आपने देखा, तो भी बहुत सारे किसान भाइयों को मन में एक दुविधा रहती है कि भाई ऑनलाइन कैसे खरीदे, अगर खरीदने के बाद माल आएगा नहीं आएगा, आएगा तो क्या क्वालिटी। तो आप सुबह से यहाँ आए हैं तो आपको कैसा, मतलब एक फीलिंग आ रही कि भाई यहाँ पे तो अच्छे लोग हैं नहीं है, अगर कोई, मैंने पूरे 3 दिन तक फोन पे बात की थी बराबर, तो वो तो मेरे को पूरा यकीन हो गया ये कोई फ्रॉड तो है नहीं बराबर, लेकिन सिर्फ मेरे को तो ये देखना था बराबर, वो खुद ही चला के देखना था जब भी मेरे। तो कोई किसान भाई अगर सोच रहा है कि भाई ऑनलाइन ये चीज हम खरीदे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो खरीद सकते हैं, हम भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, हम भेजेंगे उनको प्रोडक्ट और अच्छे से सर्विस देंगे। तो यही हमारी मतलब एक खासियत है कि कोई भी किसान भाई, मतलब आपने बोला कि 3 दिन आप बात कर रहे थे, तो हमारा इंजीनियर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, अगर कुछ सवाल का जवाब नहीं है तो वो बोलेगा। वीडियो फोटो सब भेजा था मेरे को बराबर व्हाट्सएप के द्वारा, सब मैंने देख लिया, फिर भी मैंने सोचा चलो मैं खुद ही चला के देख लो बराबर, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ बराबर, बाकी तो सब मेरे को वही पता चल गया था, लेकिन वो मेरे मन में ये डाउट था कि कहीं इसको चलाने में वो थकान तो नहीं लगेगी, वो ताकत तो नहीं लगेगी। तो आपको अभी अभी क्या लग, नहीं तो अभी क्या लग रहा है कि लगेगी क्या ताकत? नहीं वो ज्यादा कुछ ऐसा तकलीफ वाला काम नहीं, बहुत एक मतलब एक कमेंट आती है कि भाई, दो कमेंट आती है, एक कि इसमें से वाइब्रेशन आ रहा है, लेकिन अभी आपने खुद ने इस्तेमाल किया तो आपको क्या लगा? वो ये पथरीली जमीन है ना, तो थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा था, लेकिन अगर वो खेत में चलाएंगे तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और क्या है कि ये सारा चीज जो है इसका वजन जमीन पे जाता है, ये चीज देखने लायक है, जगह बदलने उसी टाइम थोड़ा बाहर बराबर, बाकी तो भी जमीन पे चलाना है। और दूसरी चीज बहुत सारे किसान भाई पूछते कि भाई ये पीछे क्यों खींचते हो आप, तो हम बताना चाहेंगे कि ये दो अटैचमेंट ऐसी है कि इसके लिए आपको पीछे ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि उसका फंक्शन वैसा है। बाकी जो 3-4 अटैचमेंट है, जैसे ब्लेड है या लॉन कटिंग वाला है या घास कटने वाला है, उसको आप आगे भी जा सकते हो, लेकिन इसको ये जरूरी है कि इसको पीछे ही खींचना है, लेकिन उसके वजह से कोई ज्यादा दिक्कत का सामना किसान भाइयों को नहीं करना पड़ता है। तो चलो इसी के साथ हमको भी बहुत आनंद हुआ कि ये भैया इतने लंबे से हमको मिलने आए और आपके लिए इन्होंने वीडियो बनाने की हमको परमिशन दिया। तो बाकी जो किसान भाई है उनके मन में अगर कुछ सवाल है ये ब्रश कटर के बारे में, तो हमारा कॉल सेंटर है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहता है, उसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नीचे स्क्रीन पे भी आएगा, 9984000511518। और एक नंबर है 930-730-0145 से आगे, तो 0145-0146 आज चालू है। जैसे आप लोग हमको सहकार्य करेंगे, हमारा काम बढ़ेगा, तो हम ये लोग बढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ पे ये कॉल करके इसके बारे में पूरा समाधान आप पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में शंका है उसके बारे में पूछ सकते हो। अगर आपको खरीदना है तो वहाँ से खरीद भी सकते हो, हमारे लोग आपको ट्रांसपोर्ट से जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, मतलब कैसा है कि छोटे खेड़ों में नहीं है ट्रांसपोर्ट की सुविधा, लेकिन जो तालुका प्लेस है, जिला प्लेस है, जो बड़ी बाजार है, और अपने भारत में सब किसान भाइयों का वैसा ही है कि भाई एक खेड़ा है लेकिन आजू बाजू में जो बड़ी मार्केट है वहाँ पे दिन में एक बार जाना होता ही है, स्कूल वहाँ पे है, सरकारी दफ्तर है वहाँ पे है, तो जाना होता है तो वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। या जिनको ऑनलाइन खरीदना है तो हमारे वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, वेबसाइट नीचे दिया हुआ है www.heeraagro.com, यहाँ से भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हम उनको पहुँचा देंगे। धन्यवाद।